बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन 2015, 18 और 19 फैसलाबाद बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, उसके अलावा फेडरल बोर्ड में भी पेपर में आया हुआ है। आखिर क्या खास बात है, ये बार बार क्वेश्चन पेपर में क्यों आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 किस तरह से सॉल्व करना है। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, x1 y1 x2 y2। इन पॉइंट्स को आपने डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर। वहां से जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं उसके ऊपर 4 इक्वल पार्ट्स रखते हैं, तो सी डी एंड ई आर द पॉइंट्स डिवाइडिंग दी ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखना ये है ए सी और सी बी के दरमियान रेशो कितनी बन रही है और रेशो फार्मूला लगाते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले द कोऑर्डिनेट ऑफ सी फाइंड करते हैं। कोऑर्डिनेट सी फाइंड करने के लिए हमारे पास रेशो फार्मूला यूज होता है। ये जो 1 लिखा हुआ है बेसिकली ये K1 है, और ये 3 लिखा हुआ है ये K2 है, और यहां हम फार्मूला यूज करते हैं रेशियो फार्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। K1 x2 plus K2 x1 डिवाइडेड बाई K1 plus K2, K1 y2 plus K2 y1 ओवर K1 plus K2। फार्मूला यूज करते हुए आपने वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया, 3x1 plus x2, 3y1 plus y2 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 4। अब हमने देखना है ए डी और डी बी के दरमियान रेशियो, जैसा कि 2:2 है यानी कि मिड पॉइंट बन रहा है अकॉर्डिंग टू दी फिगर। हम लिख सकते हैं वेरी इजी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन कोऑर्डिनेट ऑफ डी विच इज द मिड पॉइंट, सो x1 plus x2 divided by 2 y1 plus y2 divided by 2। नेक्स्ट ए ई एंड ई बी हैज द रेशियो 3:1, K1 is equal to 3 एंड K2 is equal to 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ई फॉर दिस पर्पज यूजिंग द रेशियो फार्मूला, K1 is equal to 3 एंड K2 is equal to 1। वेरी सिंप्लीफिकेशन, जस्ट अप्लाई द फार्मूला विच इज द रेशियो फार्मूला। सिंप्लीफिकेशन 3x2 plus x1, x1 इज इंडेक्स इज फर्स्ट, प्लस 3x2 बिकॉज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन कैन बी होल्ड, सेम एज y1 plus 3y2 डिवाइडेड बाय 4। इन दिस वे ऑल दीज रिक्वायर्ड पॉइंट्स यू कैन फाइंड विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। ए एंड बी आर ऑल्सो गिवन। इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड वेरी सिंपली। इस क्वेश्चन के अंदर आपने ए बी एक लाइन ड्रा की और उसके एंड पॉइंट्स जो थे ए था और एक बी था, और ए के x1 y1 थे और बी के x2 y2 थे। दरमियान में जो रेशो फार्मूला आ रहा था उसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने के बाद हमने रिक्वायर्ड पॉइंट्स हासिल किए सी डी और ई। इस तरह ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। हैंस कंप्लीट द एक्सरसाइज 4.1। इस तरह ये एक्सरसाइज 4.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।